गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी जो इंग्लिश ग्रामर की जो बुक थी वो हम लोगों ने स्टडी की थी। ओके, उसमें हम लोगों ने अपना अपने जो चैप्टर्स 1 to 10 कंप्लीट किए थे पहले। ओके, देन उन सब का हम लोगों ने रिविज़न कर लिया था। ओके, सो वो बुक तो बेस्ड थी हमारी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पार्ट पर। ओके, ये जो बुक है अपनी इंग्लिश की, ये किस पर बेस्ड है? ये रीडर पोर्शन पर बुक बेस्ड है। ठीक है, ये इंग्लिश रीडर पोर्शन, मतलब इसमें अपनी जो रीडिंग एबिलिटी वगैरह इंक्रीज होती हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इस बुक में अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है? अ वाइस मैन, एक चतुर व्यक्ति। अ वाइस मैन, एक चतुर व्यक्ति। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, क्या हमें मतलब ये मॉरल देना चाहता है, इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक फॉरेस्ट में लायन थे। ओके, लायन रहता था। ओके, वंस देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में शेर रहता था, लायन शेर। ही हैड लॉन्ग टीथ एंड शार्प नेल्स, जिसके लंबे लंबे दांत और शार्प टीथ थे। उसके लंबे लंबे दांत और मतलब उसके जो नेल्स थे, सॉरी उसके जो नेल्स थे वो बहुत ज़्यादा शार्प थे। ठीक है, बहुत ही मतलब नुकीले टाइप से बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प थे। ही यूज देम टू किल एनिमल्स, जो कि क्या करता था, अपने टिथ और नेल्स का यूज किस में करता था? एनिमल्स को मारने के लिए करता था। ठीक है, एनिमल्स को मारता और खा जाता। ओके, वन डे द लायन वेंट टू ए विलेज। एक दिन जो लायन है वो जंगल से बाहर निकलकर एक गांव में जाता है, एक विलेज में जाता है। ही शो ए ब्यूटिफुल गर्ल देयर, जो कि वहाँ क्या करता है, एक सुंदर लड़की को देखता है। ठीक है, लायन जो है वो एक गांव में जाता है, वहाँ पर वो एक सुंदर लड़की को देखता है। ही लाइक द गर्ल वेरी मच, और वो उस लड़की को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ही वॉन्टेड टू मैरी हर, और उससे शादी करना चाहता है। एक गांव में जाता है, सुंदर लड़की को देखता है, वो उसे लाइक करता है एंड उससे मैरिज करना चाहता है। सो ही वेंट टू हिज फादर, सो ही वेंट टू हिज फादर एंड सेड, तो वो अपने मतलब पिता के पास जाता है और कहता है, मैन आई वॉन्ट टू मैरी योर डॉटर। वो उस लड़की के पिता के पास जाता है और कहता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, हाउ कैन यू आज द मैन, तो जो व्यक्ति होता है, जो मतलब लड़की का जो पिता होता है, जो उसके मतलब पापा होते हैं लड़की के, वो पूछते तुम कैसे कर सकते हो। वो पूछते हैं द लायन रॉड लाउडली, तो लायन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब दहाड़ता है। द मैन वॉज अफ्रेड, और जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हिज डॉटर टू ए वाइल्ड बीस्ट इन मैरिज, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बट वो ऐसा कभी नहीं चाहता कि वो अपनी बेटी को एक वाइल्ड बीस्ट इन मैरिज, मतलब कि वो कोई भी, ऑब्वियसली कोई भी फादर ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी डेंजर में जाए। ओके, एंड ये तो लायन था, लायन मतलब बहुत ज़्यादा बीस्ट मतलब कि जिसका सबको डर लगता है एंड किसी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, सो किसी हार्मफुल पर्सन या फिर एनिमल, मतलब एनिमल है लायन, तो वो उसे बिल्कुल भी अपनी डॉटर इन मैरिज देना नहीं चाहता था। ही हैड नॉट हैव करेज टू रिफ्यूज एंड ऑफन द लायन, और उसमें बिल्कुल भी मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना उसमें मतलब करेज नहीं था कि मतलब साहस नहीं था कि वो एक एंग्री एनिमल को मतलब कुछ वो मना कर सके, रिफ्यूज़ कर सके। ठीक है, इतना मतलब उस जो मैन था उसमें इतना वो साहस नहीं था, इतना करेज नहीं था उसमें कि वो उस लायन को रिफ्यूज़ करे। ही थॉट आउट ए प्लान, और वो एक प्लान सोचता है। ही सेड, वो कहता है, वेल आई कैन मैरी माई डॉटर टू यू, मैं मेरी डॉटर की आपसे शादी करवा दूंगा,
बट पर शी इज अफ्रेड ऑफ योर लॉन्ग टीथ एंड शार्प नेल्स, बट वो आपके जो लंबे लंबे जो टीथ हैं और जो आपकी नेल्स हैं इनसे वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और वो बहुत ज़्यादा डर भी जाती है. शी विल मैरी यू इफ यू अलाउ मी टू पुल आउट योर टीथ एंड क्लिप योर नेल्स. तो वो कहते हैं कि वो मान जाएगी, लेकिन कब? वो तब मान जाएगी जब आप मुझे अलाउ करो कि मैं आपके जो टीथ हैं ये निकाल दूं और आपके नेल्स जो हैं इनको क्लिप कर दूं. क्लिप्स मतलब कि बहुत ही मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में मैं आपके जो नेल्स हैं ये कट कर दूं, मतलब बहुत छोटे कर दूं. ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, मतलब आपके जो दांत हैं ये निकाल देता हूँ, पुल आउट कर देता हूँ और आपके नेल्स को क्लिप कर देता हूँ, तो वो आपसे शादी कर लेगी. ओके, द लॉयन एग्रीड टू द डिमांड एट वंस. तो एक बार जो लॉयन है वो उसकी डिमांड के लिए एग्री कर देता है. वंस विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज रिजल्ट, बिना उसके रिजल्ट को सोचे समझे वो एग्री कर देता है. द मैन सून पुल्ड आउट द लॉयन्स टीथ एंड क्लिप्ड हिज नेल्स. और वो क्या करता है, जो मैन होता है वो उसके मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो उसके दांत जो है वो निकाल देता है एंड उसके जो टीथ जो उसके नेल्स जो होते हैं उन्हें वो क्लिप कर देता है. ठीक है, नाउ द लॉयन वॉज क्वाइट हार्मलेस. और अब वो क्या था, अगर उसके दांत निकाल दिए और मतलब टीथ को नेल्स को क्लिप कर दिया तो अभी उसके उससे कोई डर नहीं, क्योंकि वो तो उन्हीं से मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनको मारता था. ओके, द मैन बॉट आउट अ थिक स्टफ. तो वो व्यक्ति क्या करता है, एक थिक स्टफ लेके आता है. स्टफ मतलब कुछ मारने के लिए, जैसे रोड होती है, ठीक है, या फिर मतलब मोटा डंडा, एज ए मतलब अपने वेपन के रूप में वो कुछ लेके आता है. ठीक है, एंड बीट द लॉयन ब्लैक एंड ब्लू. और वो लॉयन को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है. द लॉयन हैड नो वे बट टू एक्सेप्ट टू द फॉरेस्ट. और अभी लॉयन के पास कोई भी मतलब चारा नहीं होता है, ओनली मतलब ये छोड़ के कि वो अपने फॉरेस्ट वापस लौट जाए. सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि हमें अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उसके रिजल्ट को सोचकर उसके लिए एग्री करना चाहिए. ठीक है, अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट सोचना चाहिए पहले कि उसका रिजल्ट क्या होगा. ओके, एंड देन हम लोगों को उसके बारे में डिस्कस मतलब जो भी उसका एग्रीमेंट जो हम लोग करते हैं वो यस करना चाहिए. ओके, सो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रीडिंग पार्ट. आपको होमवर्क में क्या करना है, ये होल चैप्टर आपको यहाँ तक आपको रीड करना है. ओके, बाय.